शिक्षा के नाम पे बड़े बड़े वादे करने वाले सरकार और प्रशासन के लोग पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि गया जिले में कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ ताला लगा होता है और बच्चे आते भी हैं तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और भोजन की क्वालिटी की बात क्या कहे, वो किसी इंसान को खाने लायक भी नहीं होती। चलिए देखते हैं क्या हाल है गया जिले के कुछ विद्यालय का, हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। कितने बजे से टाइम आने गए हैं, ये क्या रीजन है कि आज हाई स्कूल जब नया बच्चा लोग का कहना है कि भोजन समय पर नहीं मिलता है, भोजन जो है अभी बन रहा है और आज ही भोजन मिल रहा है, ऐसा क्या फिर है राजेश सर? जो लंच है ये रेडी हो जाएगा सर, आज का बात है ना, आज लेट होने का। बच्चा लोग का नाम है कि आज ही बन रहा है, इसके पहले नहीं बन रहा था क्यों? इसके जो इधर स्कूल खुला है ना तो नहीं बन। और बच्चा लोग का नाम है कि हेड सर भी यहाँ नहीं आए हैं आज, आज 10 दिन से भोजन नहीं मिल रहा था और आज भोजन मिला है, तो हाल ऐसा है कि दाल भात और आलू का भुजिया ये देख सकते हैं। छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, कितने साल से पढ़ रहे हो? छह साल से। कौन क्लास में हो अभी? नाइन्थ क्लास में हो। क्या नाम है आपके शिक्षक का, टीचर का? राजेश सर। वो आए हैं आज स्कूल? हाँ राजेश सर आए हैं। तो पानी की व्यवस्था कैसे है आपको, अगर बाथरूम में वगैरह लगता है शौचालय? ये नहीं है, लाइकन के लिए कोई सुविधा नहीं है। लाइकन की ये जो बाथरूम जो टॉयलेट है ये किसके लिए, कौन यूज करता है? सब टीचर ये उपयोग करते हैं खाली, कुछ लीजिए नहीं तो बच्चा है। अच्छा, आपको अगर यदि शौचालय वगैरह लग जाता है तो क्या करते हैं आपको, या घर भी जाना पड़ता है? नदी में जाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ के इस स्कूल के छात्रों को नदी में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। और आपका यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, ड्रेस वगैरह नहीं मिला है स्कूल से आपको? पुस्तक वगैरह मिला है? नहीं मिला है। प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है यहाँ के आज आए थे स्कूल? नहीं आए। कल आए थे? संडे से, उससे पहले शनिवार को आए थे। सब टीचर टाइम पे आते हैं? दस बजे स्कूल खुलता है। बंद कितने बजे होता है? तीन बजे होता है। टीचर 3 बजे तक रहते हैं सारे टीचर? जी रहते हैं। प्रधानाचार्य भी रहते हैं, प्रिंसिपल? अच्छा, तो कि जितने भी शिक्षक है सबको यहाँ से रिटायरमेंट किया जाए और दूसरा शिक्षक नया बहाल किया जाए। क्यों? और जितना, हाँ क्योंकि जितने दिन से मैं देख रहा हूँ सभी शिक्षक जो है यहाँ से जाने लायक है, कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है बच्चे लोग के। शिक्षक यहाँ क्या करते हैं, बच्चे लोग पर ध्यान नहीं दे? बच्चा नहीं दे, बच्चे लोग रोड पर घूरते हैं, उधर पोखरे तरफ घूरते हैं और शिक्षक लोग सब गप लड़ाते हैं धूप में, कभी ऑफिस में। और कोई परेशानी? बस वही परेशानी है कि शिक्षा बच्चे लोग को दिया जाए इसलिए कि सभी मास्टरों को यहाँ से हटा दिया जाए, दूसरा नया लाया जाए, तभी शिक्षा की बदलाव हो गया। आप ये मत बोलिए, तुम नहीं होगा कैसे, बताइए कि मेरा भाई पढ़ा, मैं पढ़ा, मेरा बाल बच्चा पढ़ रहा हूँ, फिर भी वही बदलाव है। कभी बाप बोल के गए कि मास्टर लोग कैसे बच्चा पढ़ता है प्राइवेट में, मैं भी क्यों पढ़ाना पड़ता है बच्चे लोग का, अगर सरकारी मास्टर इतना है पढ़ाता तो क्या जरूरी था प्राइवेट में बच्चे लोग का पढ़ाना? अच्छा, बच्चे लोग अगर आता है पढ़ने यहाँ तब भी एक भी क्लास नहीं लिया जाता और कह दिया जाता है कोई क्लास नहीं होगा तुम लोग, मेरा बच्चा अभी आज छुट्टी में है, लेकिन मेरे घर का बच्चा और भी आए हुए हैं 2-4, वो सबको बताए ना आप लोग के सामने, तो बताइए कि लोग शिक्षा लोग इतने हैं तो क्या क्लास नहीं कर सकते, एक एक क्लास दो दो क्लास भी? आपके हिसाब से यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? हमारे हिसाब से लगते हैं 4-5 शिक्षक अभी प्रेजेंट में है, बाकी सब छुट्टी में रहते हैं, वही मिलजुल करके आपसी मेल करके सब गायब कर ले रहता है, शिक्षा खाना दुनियादारी सब वेतन पोषाहार जो भी मिलता है सरकारी सब बंद है बच्चे लोग के। कितने दिनों से, कितने बार घोटाला कर लिया गया, कितने बार बोचे बोले मास्टर। माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब खो गए। पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर। भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले से सिस्टर का तो सही हो जाएगा। आप क्या कहें सर, आप उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आगे आप फिर इंग्लिश भर रहे हैं। ब्रदर, सिस्टर, नहीं, बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर। चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस सर।
ठीक है, और कोई शिक्षक यहाँ पर है मौजूद है? टीचर अवेलेबल यहाँ आपको टोटल हम लोग सात हैं। तो सातों टीचर यहाँ पे? सात टीचर हैं। सात में हम लोग एक दो तीन चार हैं। कहाँ चार है? कौन कौन? शौचालय, ये है शौचालय जिसमें कोई कुंडी वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं ये सरकारी विद्यालय का शौचालय, ये शौचालय है। शौचालय पानी वगैरह का व्यवस्था है इसमें? सर बताइए ना। लगाना था, टंकी लगाना था, लगा नहीं है। टंकी लगा नहीं है? कितने दिन से नहीं है? आठ एट क्लास नाइन क्लास ये भी ताला गया है। मैम आप शिक्षिका हैं यहाँ की? जी। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी। आशा कुमारी? आशा नहीं, आशा। आशा कुमारी कौन सी क्लास की शिक्षिका हैं, मतलब किस क्लास को पढ़ाती हैं? 5 से 8 तक। और शिक्षक या शिक्षिका कहाँ हैं? अभी तो ऑफिस में नहीं है, ऑफिस में सर लोग होंगे। आ जाए हैं? आज आए होंगे, हम थोड़े इधर देखे हैं उन लोग को। नहीं नहीं, क्लासरूम लाइन से है तो आप तो रोज आती जाती हैं पढ़ाने, तो और भी शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं? रेगुलर आते हैं, रेगुलर है। हाँ आते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे एक्चुअली यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोग आज आए हैं? आज अभी तो क्योंकि हम लोग प्रेस से हैं, आंखों देखी न्यूज़ चैनल, ठीक है, तो वो लोग आज आए हैं? हाँ आए तो थे। हम आए थे, कौन कौन आए थे नाम बताएंगे? राजीव सर थे, प्रशांत सर थे। अच्छा, गुलाब सर एक थे। अच्छा, हम थे, ये चार पांच आए थे। ये चार पांच आए थे, तो चार पांच कहाँ है अभी? वो पूरे स्कूल कैंपस में तो हमको कहीं नजर नहीं आ रहे, आप बता सकती हैं? चार पांच में एक भी नजर नहीं आ रहा है। कहाँ बताए? एक सर बैठे हैं, दो सर टीचर बैठे हैं, और बाकी लोग कहाँ हैं? तो हाई स्कूल के थे, हाई स्कूल बंद करके लोग गए हैं। हाई स्कूल बंद है? हाई स्कूल का टाइमिंग क्या है? वो टाइमिंग उन सर से पूछ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, बाकी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। और भी वेरी गुड। क्लासरूम खाली है, ये आप देख सकते हैं, ये भी क्लासरूम खाली है। ये क्लास 6 है, आप देखो। आप कौन से क्लास में? 7। क्या है क्लास टीचर का नाम आपके? रेनू मिस। जो अभी बैठी हैं? आज नहीं आई हैं, कल आई थी रेनू मिस? कल आई थी? कल आई थी, आज नहीं आई हैं। अच्छा आज नहीं आई। आप लोग कौन से क्लास में? आ जाइए आज मेरे। हाँ क्लास टीचर कौन है? अरविंद सर। अच्छा स्कूल टाइमिंग क्या है? 9 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। क्लास 4, ठीक है। शौचालय वगैरह किधर है? इधर से रास्ता है। साफ सुथरा है? साफ वाफ रहता है ना? ताला बंद है? ताला बंद अभी नहीं खुला। हाँ नहीं खुला, खुला था फिर बंद हो गया, छुट्टी होने वाला था देर बाद। कब बंद हो गया? छुट्टी का टाइम से पहले बंद हो गया? हाँ। अब अगर शौचालय लगा तो कहाँ जाओगे? इतने लोग यहाँ आते हैं। आप ये बताओ आज कितने कौन कौन से टीचर आए थे? प्रशांत सर, राजीव सर और आसामी साहिब थे, तीन लोग, ठीक है। प्रिंसिपल आपके आज नहीं आए थे? छुट्टी पे अक्सर बीमार।
तो आगे जाकर काम लेट से आते स्कूल। अच्छा आप लेट हैं, तुम्हारे ही भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल आ जाए यस सर। कितने बजे तक? 9 से 10 लगभग 11 बजे चल रहे हैं। 11 बजे चल रहे। चलिए ठीक है। आप लोग को खाना वाना कैंटीन मिल जाता है? कौन है ये? यहाँ पे किन का एंट्री है? कौन क्लास लेता है स्मार्ट क्लास में? कौन किन का है? शिक्षक का नाम बताइए ना सर। स्मार्ट क्लास का जो नोडल शिक्षक है सिनान मोहम्मद फहद। अच्छा बतला पाएंगे वो पिछले कितने दिन से नहीं आए हैं? 30/11/2019 ये लास्ट डेट है। उन्होंने यहाँ पर बोर्ड पर खुद से लिखा होगा? नहीं ना, ऐसा नहीं है। सुनिए ना, वो बोर्ड पर लिखा हुआ है तो एक अलग मुद्दा है। कभी एग्जाम वगैरह हुआ होगा ठीक है तो क्लास चलता तो फिर वो डेट चेंज होता है। ये सिस्टम है, ये स्कूल का सिस्टम है, यहाँ पे लिखना भी होना चाहिए। बिल्कुल अगर वो क्लास चलता तो डेट चेंज हो जाता।